हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हाइड्रोलिक जैक काम नहीं करेगा तो कैसे जैक को रिमूव करना है और जैक रिपेयर होगा कि नहीं देखने वाले हैं, लास्ट टाइम तक जरूर देखना। और हमारे चैनल पर नहीं है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दिखाते हैं। ये इसका लॉक है, इसको घुमाना पड़ता है, जैक उठाना है तो इसको लॉक को घुमाना पड़ेगा। ये हो गया लॉक, अभी उठा के देखते हैं उठ रहा है कि नहीं। देख सकते हो नहीं उठ रहा है। इसे घुमाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले जैक का कैप खोल के ऑयल ड्रेन करना है। जैक को वाइस पर लेके जाकर नट को खोलना है। देख सकते हो अभी जैक को टाइट कर देंगे। जैक के नट को पाइप रिंच के माध्यम से खोलना है। लूज हो चुका है, अभी पूरा निकाल के पिस्टन को खींचेंगे। देख सकते हो पिस्टन बाहर आ गया, अभी कवर है। यहाँ पर देख सकते हो ये पिस्टन है, ये जो ऊपर के साइड में दिख रहा है ये ओरिंग है, इसका ओरिंग भी अच्छा है। और ये बुश आगे के साइड में दिख रहा है, ये बुश भी इसका ओके है। ये जैक बॉडी है, अंदर के साइड में एक होल है, होल से ऑयल आएगा और ऑयल आके पिस्टन उठेगा। अभी पंप करके दिखाएंगे, पंप करेगा तो ऑयल अंदर आके जैक उठेगा। जैक का ओरिंग निकाल के देखते हैं कैसा है। तो इसका ओरिंग भी सही है। ऑयल डालने वाला कैप निकालते समय टूट चुका है। यहाँ पर एक नट लेके इसको वेल्डिंग कर देंगे ताकि ऑयल बाहर ना आ सके। यहाँ पे आपको एक नट लेना है, नट को वेल्ड कर देंगे। इसका ओरिंग सब सही है, अभी इसको क्लीन विलिंग करके फिर से सेट कर देंगे और देखते हैं अभी जैक उठता है कि नहीं। तो अभी पिस्टन फिट करेंगे। पिस्टन फिट करके नट को पुल टाइट करना है। वाइस पे भी टाइट कर देंगे। पाइप रिंच से टाइट करना है।
अब यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल डालेंगे। खाली हमने हाइड्रोलिक ऑयल नया डाल रहे हैं, पुराना गंदा हो चुका था, मतलब खराब हो चुका था, तभी नया हाइड्रोलिक ऑयल डाल रहे हैं। ये इसमें 1 लीटर के आसपास आएगा। अभी इसका नट टाइट कर देंगे, नट टाइट करके अभी गाड़ी को लगाने से पहले चेक करेंगे जैक उठ रहा है कि नहीं, फिर गाड़ी में टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो जैक उठ रहा है। पहले स्टक हो चुका था, कुछ भी हिल नहीं रहा था। अभी हमको कुछ मिला नहीं इसमें, खाली ऑयल चेंज किया है। चलो दिखाते गाड़ी को लगा के। अभी यहाँ पर जैक लग चुका है, अभी देखेंगे चक्का उठ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो जैक उठ रहा है, मतलब काम सक्सेस हो गया हमारा। तो आप इस तरह से जैक को रिमूव करके एक बार इसका किट चेक कर लो, क्योंकि इसका किट गया कि नहीं। तो इस तरह से आप जैक को रिपेयर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर देख सकते हो टायर उठ चुका है, अब इसको डाउन कर देंगे।